Hello dear students, this is another video of the chapter Accounting for Partnership Firm Fundamental. Today I am doing the question number 22 of VK Goel book. First of all, I am reading the question. A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of their capital, which was 6 lakh and 4 lakh respectively on 1st April 2018. कि ए और बी दो पार्टनर है जो बिजनेस को क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं. उनकी कैपिटल जो है 6 लाख और 4 लाख दे रही है 1st अप्रैल 2018 को, और वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. कैपिटल रेशियो क्या होती है? वो रेशियो जिसमें उन्होंने कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट की हुई है बिजनेस के अंदर. वो अभी मैं आपको वर्किंग नोट में सिखा रही हूँ. द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट नंबर वन, बोथ पार्टनर विल गेट मंथली सैलरी ऑफ 20,000 ईच. पार्टनरशिप डील क्या बोलती है कि दोनों पार्टनर्स को मंथली सैलरी मिलेगी 20,000 ईच, का मतलब दोनों को 20,000 रुपए हर मंथ के मिलेंगे. सेकंड पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम. कि पार्टनर को उनकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा 8% पर एनम, का मतलब पूरे साल का 8% इंटरेस्ट मिलेगा उनको उनकी कैपिटल पर. थर्ड पॉइंट है, ए विल गेट ए क्वार्टरली रेंट ऑफ 24,000 फॉर द यूज ऑफ हिज प्रॉपर्टी बाय द फर्म. कि ए को जो है रेंट मिलेगा अपनी प्रॉपर्टी पर, जो कि उसने बिजनेस के लिए यूज के लिए दी हुई है प्रॉपर्टी 24,000 क्वार्टरली. क्वार्टर कितने होते हैं बेटा, पहले भी मैंने बताया था 4, तो 24,000 × 4 = 96,000 जो है इसका रेंट आ जाएगा ए का. आगे लिखा हुआ है, ऑन 1st July 2018 A and B granted loan of rupees 1 lakh and 50,000 respectively to the firm. कि 1st July 2018 को A और B ने लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को. A ने 1 lakh rupees का दिया है लोन और B ने कितना दिया है 50,000 का. During the year ended 31st March 2019, the firm incurred a loss of rupees 17,250 before any adjustment is made as per partnership deed. कि कुछ भी करने से पहले हमें क्वेश्चन, कुछ भी करने से पहले का मतलब है कि कोई भी एक्सपेंसेस करने से पहले पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर लॉस दिया हुआ है 17,250 का. और क्या कहा गया क्वेश्चन में, प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस. ये एक ऐसा अकाउंट बनाओ जो जिससे कि हमें प्रॉफिट या लॉस के बारे में पता चले कि किस कितना कितना हमें इनको बांटना है. सबसे पहले आपको क्वेश्चन में पता ही चल गया क्या कि पार्टनर जो है पार्टनरशिप फॉर्म में उनको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है. तो हम ना तो ये भी बताया था जब पार्टनरशिप फॉर्म में लॉस हो तो किसी भी पार्टनर को उनकी कैपिटल के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, पार्टनर को कोई सैलरी नहीं दी जाती, ना ही पार्टनर को कोई कमीशन दी जाती है. इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा था, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था वो नहीं देंगे, पार्टनर को सैलरी देनी थी वो भी नहीं देंगे, पार्टनर को रेंट देना है. पर वो तो तुम्हें पता ही है, पार्टनर का जो रेंट है ए ने जो अपनी प्रीमिसेस दी हुई है बिजनेस में यूज करने, बिजनेस के लिए उसका बिजनेस चल रहा है इसके अंदर, उसकी प्रीमिसेस के अंदर, तो वो रेंट तो मिलेगा. क्यों? क्योंकि वो चार्ज ऑन प्रॉफिट है. उसके बाद ए और बी ने जो लोन दिया है 1st जुलाई को, उनको भी क्या मिलेगा, उनके लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा. क्योंकि आपको बताया था मैंने, तीन चार्जेस बताए थे, एक तो रेंट टू पार्टनर, एक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन और एक मैनेजर कमीशन, वो तीनों मिलने होते हैं. अगर लेकिन मैनेजर को कमीशन तो तभी मिलती है बेटा जब क्वेश्चन में प्रॉफिट हो, लेकिन अगर लॉस है तो मैनेजर को भी हम कमीशन नहीं दे सकते. तो इस सिचुएशन में ना हम पार्टनर को कोई सैलरी देंगे, ना ही हम उनको क्या देंगे बेटा, किसी तरह का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे. लेकिन हम क्या देंगे, ए को उसकी प्रीमिसेस के ऊपर रेंट देंगे और ए बी ने जो लोन दिया उसके ऊपर हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करेंगे. अब हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं वर्किंग नोट्स. पहले हम रेंट टू ए देंगे क्योंकि ए ने अपनी प्रीमिसेस क्या की है, बिजनेस को दी है. तो जिसके अंदर बिजनेस चलाया जा रहा है पार्टनरशिप फॉर्म का, 24,000 क्वार्टर का दे रखा है. तो 24,000 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा बेटा, 96,000. ये उसको हमें क्या देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा. उसके बाद ए और बी ने पार्टनरशिप फॉर्म को बेटा क्या दिया है, लोन दिया है. तो इंटरेस्ट लोन देंगे किसको देंगे, ए को भी और बी को भी. क्योंकि ए ने 1 लाख रुपीज का लोन दिया है
उसके ऊपर 6/100 × 9/12 करेंगे। 6/100 क्यों आया, जब मैंने बताया था आपको क्वेश्चन के अंदर इंटरनेशनल लोन की परसेंटेज ना मेंशन हो तो 6/100 6% पर एनम लेते हैं तो 6/100 हो जाएगा। 9 मंथ बेटा कहाँ से आया, जुलाई से काउंट करो, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 9 मंथ का हम निकाल लेंगे तो कितना आ गया 4500। देखिए ये मैंने कैलकुलेशन करी है, 4500 इंटरेस्ट देंगे ए को। फिर बात करेंगे हम बी की, बी ने 50,000 का लोन दिया है इंटू 6/100 × 9/12, इसका भी सेम 9 मंथ का है क्योंकि इसने भी कब प्रोवाइड किया लोन, जुलाई 1st को अप टू 31st मार्च आ जाएगा हमारा 9 मंथ का, तो 9 मंथ का इसका भी निकालेंगे हम। तो इसका आएगा 2250, ये इंटरेस्ट 20 लोन आ जाएगा। अब बात करेंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, नहीं देना क्योंकि क्वेश्चन के अंदर लॉस है। फिर हम बात करें पार्टनर को सर्विंग, वो भी नहीं देनी क्योंकि क्वेश्चन में हमें लॉस दिया हुआ है। अब हम डिविजन प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, वैसे तो हमें पता चल ही रहा है कि लॉस ही निकलेगा क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म में कोई इनकम तो है नहीं, तो हम डिविजन लॉस लिखेंगे। हमारे पास लॉस है 17,250 का जो कि क्वेश्चन में गिवन है, माइनस करेंगे, यहाँ पे मैंने माइनस लिख दिया, माइनस क्यों क्योंकि ये लॉस है, माइनस ये रेंट टू अ पार्टनर जो दे रहे हैं 96,000 वो भी हमारे लिए क्या है एक्सपेंस है, तो ये क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा। फिर ए को उसके इंटरेस्ट पर लोन के ऊपर इंटरेस्ट देंगे 4500, बी को हम कितना देंगे इंटरेस्ट हम 2250, तो हम जब करेंगे सारे माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो वाले 20,000 आ जाएगा। वैसे तो माइनस में साइन आना चाहिए पर मैंने लिख ही दिया, यहाँ पर क्या लिख दिया डिविजिबल लॉस। अब जो ये लॉस है उनको कौन सी रेशो में बांटना है, क्वेश्चन में मेंशन है उनकी कैपिटल रेशो में। पहले देखिए इधर देखो कैपिटल रेशो, मैंने ए और बी की लिखी है 6:4, ये इनकी कैपिटल है तो रेशो कितनी आ गई 6:4। अगर हम इसका कट करें तो क्या आ जाएगी 3:2, तो रेशो बच्चों क्या बन गई इज इक्वल टू 3:2, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 आ गई। तो अब हम इसको किस में बांटेंगे ए और बी में, कौन सी रेशो में बांटेंगे प्रॉफिट, सॉरी ये क्या है डिविजिबल लॉस है, 1,20,000 × 3/5 कहाँ से है 3+2 5 हो गया, तो 3/5 मिलेगा ए को, ए का शेयर बेटा आ गया 72,000। बी का शेयर कितना आ गया बेटा 1,20,000 × 2/5 48,000। तो इसको अब मैं आपको कैसे सिखा रही हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के सिखा रही हूँ। क्यों, क्योंकि लिखा पड़ा है कि शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमने कहाँ शो करना है ये तो आपको पता ही है, जो पार्टनर का रेंट है या इंटरनेशनल पार्टनर लोन है वो कहाँ पर आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट में आता है। तो ये दोबारा से बताती हूँ, दोबारा फिर देख लीजिए इंटरनेशनल पार्टनर हमने 9 मंथ का बता दिया, ठीक है 9 मंथ का 1 जुलाई से 31st मार्च तक का, बी का भी सेम 9 मंथ का ही आया। फिर डिविजिबल लॉस कैसे निकाला, क्योंकि हमारे पास ये जो 96,000 का रेंट था वो भी माइनस करना है, 4500 इसका इंटरेस्ट ऑन लोन और 2250 इसका इंटरेस्ट ऑन लोन, माइनस करके वाले 20,000 आ गया जो कि उनको कैलकुलेशन में बांटना था। कैलकुलेशन में बेटा मैंने अभी सिखाई है ए और बी की 6 लाख और 4 लाख, इसको कट करके 6:4 हो गया, स्कोर कट किया था 3:2 आ गया। तो ए का शेयर क्या होगा, जो 1,20,000 का लॉस आया है 1,20,000 का 3/5 72,000 आ गया, बी का शेयर 1,20,000 का 2/5 आ गया 48,000। अब इनको मैं क्या कहाँ शो करी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि चार्ज ऑन प्रॉफिट होते हैं वो कहाँ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा क्योंकि लॉस जो है पार्टनर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही हम क्या कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब देखो बेटा हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाया है, क्योंकि जो भी चार्ज है हम पार्टनर को वही देते हैं, जब क्वेश्चन के अंदर लॉस है तो हमने क्या देना, जो जो चार्जेस हैं, चार्जेस में क्या आते हैं, एक तो रेंट टू पार्टनर आता है, एक इंटरनेशनल पार्टनर लोन आता है ना, मैनेजर कमीशन तभी देंगे जब प्रॉफिट होगा बिजनेस के अंदर, लेकिन इस क्वेश्चन में वैसे ही मैनेजर कमीशन पूछा ही नहीं था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले फॉर्मेट बनाया पर्टिकुलर अमाउंट, ये साइड डेबिट साइड है और ये साइड कौन सी क्रेडिट। अब स्टार्टिंग हम डेबिट साइड से करेंगे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बेटा हमें क्या रखा है नेट लॉस दे रखा है, डेबिट साइड लिखेंगे टू नेट लॉस
17250। फिर हमें रेंट देना है, किसको देना है, ए को, तो क्या लिखेंगे, टू रेंट टू ए 96000। फिर हमने क्या किया था, इंटरेस्ट ऑन लोन देना था पार्टनर को, वर्किंग लोन में बनाया था, टू इंटरेस्ट ऑन लोन ए और बी को देना है, ए को कितना देना बेटा 4500 और बी को कितना देना 2250, दोनों का टोटल आ गया 6750। अब हमें क्रेडिट चेक तो कुछ भी नहीं दिया हुआ क्योंकि बिजनेस में कोई इनकम नहीं है, तो अब हम इसका क्या करेंगे बेटा, टोटल इसका टोटल आ गया बेटा 120000, जो कि हम क्या करेंगे पार्टनर में उनके रेशियो में बांटेंगे। तो इधर लिखेंगे क्रेडिट साइड बाय लोस ट्रांसफर टू ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर वो प्रॉफिट या लॉस को कौन सी रेशियो में बांट रहे थे, अपनी कैपिटल रेशियो में। मैंने अभी आपको सिखाई थी कैपिटल रेशियो कितनी आएगी 3:2, तो हमारा जो ये 120000 हमने यहाँ पे भी लिख दिया 120000, उसको हमने बांटा था 72000 आया था ए का और बी का कितना आया था 48000। आप अपने वर्किंग नोट में चेक कर लो, मैंने अभी आपको कराया था 120000, ये हमारा क्या है डिविजिबल लॉस है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी भी थी, पर हमने उनको नहीं देनी पार्टनर्स को, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर पहले से क्या दिया हुआ है लॉस। तो जब भी लॉस हो तो हमें ना तो पार्टनर को कोई सैलरी देनी है, कोई कमीशन देनी है, ना ही कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अगर कुछ और मेंशन हो तो हम उस हिसाब से चलेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी दी हुई थी कि देनी है, लेकिन लॉस होने की वजह से हमने उनको नहीं दी। डेबिट साइड हमने क्या लिखा बेटा, दोबारा से देखिए, नेट लॉस लिखा, फिर ए को रेंट दिया वो लिखा, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन दिया ए और बी को, तो टोटल हमारा आ गया 120000, जो कि हमने लॉस ट्रांसफर कर दिया ए और बी की कैपिटल में, बैलेंसिंग फिगर उनकी कौन सी रेशियो में, कैपिटल रेशियो में। अब आपको मैं एक और क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रही हूँ, इस नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 21, मैंने गलती से आपको क्वेश्चन नंबर 22 बोल दिया था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 23 करा रही हूं बेटा, मैं क्वेश्चन नंबर 23 बता रही हूं क्या है, पहले क्वेश्चन रीड कर लूं। x and y are partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2 with capital of rupees 10 lakh and 5 lakh respectively, कि x और y अपने प्रॉफिट और लॉस को कौन सी रेशियो में बांट रहे हैं, 3:2 मतलब 3/5 और 2/5, x की कैपिटल 10 लाख है और y की कैपिटल 5 लाख है। एज पर द पार्टनरशिप डीड दे आर टू बी अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग उनको उनकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा 8% पर एनम, मतलब होता है उनकी कैपिटल पर 8% मिलेगा 8/100 पर एनम, मतलब पूरे साल का। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू ₹45,000, कि कुछ भी करने से पहले नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, मतलब वैसे प्रॉफिट निकल चुका है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देने से पहले हमें प्रॉफिट 45,000 दिया है। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, कि प्रॉफिट किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो बताना है। अब देखिए बेटा, सबसे पहले हमने देखा कितने पार्टनर है, दो पार्टनर है एक्स और वाई, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है 3:2। पहले हम उनकी कैपिटल के ऊपर क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 10 lakh into 8/100, 10 lakh इसने कैपिटल लगाई है, उसके ऊपर हम 8% देंगे तो बेटा कितना आ गया 80,000। y का क्या है, y ने 5 लाख का दिया है कैपिटल दी है, उसके ऊपर हमने 8% लगाया तो कितना आ गया 40,000, तो टोटल कितना आ गया 1,20,000, क्लियर। फिर हमें क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे रखा है 45,000। अब आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा है क्वेश्चन के अंदर जो प्रॉफिट है 45,000 है और हमारे को जो इंटरेस्ट निकल के आया कैपिटल पर वो 1,20,000 है। अब प्रॉफिट कम है लेकिन हमें इंटरेस्ट ज्यादा देना है, तो ये सिचुएशन है कि जब हमारे पास प्रॉफिट कम पड़ जाता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा पड़ जाता है तो हम उतना ही दे सकते हैं जितना हमारे पास है, मतलब हमारे पास कितना प्रॉफिट है 45,000 है, तो हम इससे ज्यादा पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते। ऐसी सिचुएशन के अंदर हम क्या करते हैं, जो उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आए हैं उनकी रेशियो बना लेते हैं, जिसको हम कैपिटल रेशियो भी कह सकते हैं, कि ए का कितना है सॉरी एक्स का कितना है 80,000 और वाई का कितना है 40,000। अगर हम इसको कट करें, जीरो सारी कट जाएगी, तो क्या आज की रेशियो 2:1। इसका मतलब क्या है कि
जो भी हम उनको इंटरेस्ट टू कैपिटल देंगे वो कौन सी रेशो में देंगे, 2:1 में। मतलब दोबारा सुनो कि दो पार्टनर थे एक्स और वाई, हमने उनको उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट देना था। 10 लाख के ऊपर एक्स को दिया हमने 80,000, अगर हम वाई की कैलकुलेशन करें तो उसका आता 40,000। टोटल हमारा इंटरेस्ट बनता है 30,000, पर हम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना 45,000। वैसे इंटरेस्ट और कैपिटल के बेटा आगे हम 5 केसेस समझेंगे एक नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो, 2-3 वीडियोस बनाने के बाद सिखाऊंगी वाला टॉपिक। लेकिन अभी इस क्वेश्चन की सिचुएशन को समझो कि हमारे पास प्रॉफिट 45,000 है, लेकिन जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो हमने देना है पार्टनर को वो 1,20,000 का है। तो हम इतना ही दे सकते हैं पैसा जितना हमारे पास हो। तो हमें ऐसी सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, कैपिटल रेशियो बनानी पड़ेगी 80,000:40,000। रेशियो क्या आएगी, 2:1। अब हमने क्या करना है बेटा, अभी मैंने बताया कि प्रॉफिट हमारा 45,000 था और पार्टनर को जो हमने इंटरेस्ट देना था वो कितना था, 1,20,000। तो ऐसे सिचुएशन में जब हमारा प्रॉफिट कम पड़ जाता है और इंटरेस्ट ज़्यादा है तो हम पार्टनर को उतना ही देंगे जितना हमारे पास प्रॉफिट है। तो हम क्या करेंगे, 45,000 को उनकी कैपिटल रेशियो में बांट लेंगे। अभी मैंने आपको कैपिटल रेशियो निकाल के दिखाई थी, 2:1 आई थी। इंटरेस्ट और कैपिटल दोबारा निकालेंगे इस सिचुएशन में, ये याद रखना। कितना एक्स का आया 45,000 का 2/3। अब बच्चे कहते हैं ये 2/3 क्या है, ये उनकी कैपिटल रेशियो है। अब गलती मत करना कि उनकी कैपिटल रेशियो में ना बांट के उनकी जो क्वेश्चन के अंदर रेशियो दे रखे उसमें पार्टनर नहीं, क्योंकि प्रॉफिट हमें देना ही नहीं है यहाँ पर पार्टनर को। क्यों? क्योंकि हमें पार्टनर को क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। तो एक्स का क्या करेंगे, 45,000 × 2/3 को कट करके आ जाएगा 30,000, ठीक है। अब y का क्या करेंगे, 45,000 का 1/3 करेंगे तो y का कितना आ गया, 15,000। यानी कि हम सिर्फ उतना ही प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में दे सकते हैं जितना हमारे पास है 45,000 ही। अब हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। हम एक बार क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं, ईयर जो है क्या दे रखा है, 2016 ही दे रखा है। फॉर्मेट इसका सबको पता ही है, पर्टिकुलर अमाउंट। क्वेश्चन के अंदर हमें प्रॉफिट दे रखा है, हम क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 45,000। और फिर डेबिट साइड क्या करेंगे, वो कैपिटल पर इंटरेस्ट जो मैंने अभी निकाल के बताया है, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स को 30,000 और वाई को 15,000। टोटल हो गया 45,000, दोनों तरफ का टोटल 45,000। कहने का मतलब ये है कि इनको वो इंटरेस्ट नहीं दे सकते जो हमने पहले वर्किंग लोन में निकाला था इससे पहले। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा जो 80,000 40,000 था वो 1,20,000 बना था, जो कि 45,000 के प्रॉफिट से ज़्यादा था, या हम कह सकते हैं प्रॉफिट कम है। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, प्रॉफिट कम हो इंटरेस्ट ज़्यादा हो, तो हमें उतना ही इंटरेस्ट और कैपिटल देना पड़ेगा जितना हमारे पास प्रॉफिट है। तो हमने इनको दे दिया। दोबारा सुनिए कि बाय P&L हमने 45,000 का प्रॉफिट लिखा और इंटरेस्ट और कैपिटल दे दिया। कौन सी रेशियो में दिया बेटा, कैपिटल रेशियो जो कि मैंने निकाली थी 2/3 30,000 एक्स को और 1/3 आ गया 15,000 वाई को दे दिया 45,000 45,000। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर आपने क्या सीखा, क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 23, जिसके अंदर हमने क्या निकाला था, पिछला जो 21 क्वेश्चन था उसके अंदर आपने क्या सीखा था कि लॉस क्वेश्चन के अंदर अगर दिया हो तो हम सिर्फ पार्टनर को क्या देते हैं, चार्जेस देते हैं, चार्ज मतलब जो जरूरी के खर्चे हैं वो देते हैं। और इस क्वेश्चन के अंदर आपने क्या सीखा कि हमारे पास प्रॉफिट अगर कम है तो हम पार्टनर को इंटरेस्ट और कैपिटल क्या करेंगे, उतना ही देंगे जितना हमारे पास प्रॉफिट है। वैसे आगे कुछ नेक्स्ट वीडियोस में, 2-3 वीडियोस के बाद वाली वीडियोस में मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है टॉपिक, इसके 5 टॉपिक्स आ गए हैं वो सिखाऊंगी। उसमें से एक सिचुएशन मैंने आपको वैसे सिखा दी है कि जब प्रॉफिट कम हो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा हो तो हमें किसको कैसे सोल्व करना है वो मैंने आपको बता दिया। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल। स्टे ट्यून्ड विद मी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स वेरी मच।